युवा कबड्डी सीरीज मैच नंबर 89 खेला जाएगा पंचाला प्राइड्स और विजयनगर वीर्स के बीच में। जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था ना भाई, तब यहाँ पर 16 टीम्स थी, अब 10 टीम बची है। 3 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं और आज से है ना 4th राउंड स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है सर्वाइवल राउंड। अब इस राउंड में भाई 10 टीम खेलेंगी और कौन सी टीम क्या करेगी सब कुछ आपको बताएंगे। इस मैच में विजयनगर वीर्स और पंचाला प्राइड्स की क्या परफॉर्मेंस रहेगी सब कुछ आपको बताने वाले हैं। बस वीडियो को एंड तक अगर आप देखोगे ना तो इजिली आप इस मैच में बहुत ही शानदार विनिंग कर लोगे, ठीक है। साथ ही साथ भाई यहां पर कौन सी टीम के कितने प्लेयर लेने वो भी आपको बताएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट यार, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए भाई यहां पर बात करते हैं दोनों टीम्स के बारे में और उसके बाद आपको टीम भी बना के दिखाऊंगा। बट उन सबसे इंपॉर्टेंट दोस्त, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया ना मेरे भाई, बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि यही वो जगह, यही इसी जगह पर, सेम इसी जगह पर भाई आपको फाइनल टीम मिलेगी। अगर मेरी टीम में कोई भी चेंजमेंट होता है, जैसे कोई प्लेयर नहीं खेलता है, कोई और नया प्लेयर खेलता है, तो किसकी जगह पर किसको ड्रॉप करके किसको लेना, फाइनल अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। बात करें पॉइंट्स टेबल की, तो भाई ये नया राउंड स्टार्ट हो रहा है तो पॉइंट्स टेबल की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता आज। यहां पर अगर बात करें तो भाई पंचाला प्राइड्स की बात कर लेते हैं, इनकी तरफ से कौन इंपॉर्टेंट रहेगा। अंकित सिंह राइट कॉर्नर प्लेयर है और बड़ा गजब प्लेयर है भाई, हर मैच में ऑलमोस्ट चला है, बीच में एक दो मैच हो जाते हैं खराब बट मोस्टली मैचेस में आपको चलता दिखा है। वहीं आप देखोगे करण सिंह तो लास्ट के 2-3 मैच खेले और अच्छा दिखा है भाई। यहाँ पर आप देखिए है बंदा डिफेंस में बट रेडिंग में मेन काम कर रहा है। यहाँ पर देखिए 5 टच पॉइंट, यहाँ पर 3 टच पॉइंट लगातार अच्छा कर रहा है, तो आप इन्हें भी अपनी टीम में बैक कर सकते हो, ठीक है। वहीं अगर बात करें मुरथल मैग्नेट्स के अगेंस्ट में भी अच्छा इन्होंने किया हुआ है। बात करें अगर यहाँ पर भाई ऑलराउंडर सेक्शन की, तो यहाँ पर अमरेंद्र कुमार दिखेंगे जो कि लेफ्ट कॉर्नर पर डिफेंस करते दिख जाएंगे, प्लस कभी कभी रेडिंग में भी चले जाते तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। मेरे हिसाब से मस्ट ऑफ पिक है, 101% ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर अगर बात करें सत्यम सिंह की, तो काफ़ी मैचेज से खेल नहीं रहे, अदरवाइज राइट कवर की पोजीशन पर खेलते दिखते। रवि साकेत लास्ट मैच में भाई बंदे ने 4 टैकल 1 टच पॉइंट निकाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है और 2-3 मैच में अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे रखी है। तो मेरे हिसाब से जीएल मिनी जीएल के लिए बिगेस्ट डिफरेंशियल पिक की कैटेगरी में आप रवि साकेत को डाल सकते हो। रेडिंग सेक्शन की बात कर लेंगे, संदीप कुमार भाई बंदा हर एक मैच में चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोई एक आधा मैच होगा जहाँ पर बंदा फ्लॉप हुआ होगा, अदरवाइज हर मैच में सुपर 10 है। यहाँ से आप देखना स्टार्ट कर लो, यहाँ पर भाई रेडिंग डिफेंस, यहाँ पर भी आप देखिए रेडिंग डिफेंस, यहाँ पर आप देखिए भाई फिर से सुपर 10, यहाँ पर आप देखोगे फिर से सुपर 10, मतलब हर एक मैच में भाई बंदा कमाल ही करता जा रहा है। मेरे हिसाब से मस्ट ऑफ पिक रहेगा, इवन CBC का तगड़ा दावेदार है, ठीक है। अब अगर बात करें भाई सामने वाली टीम की, तो उससे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं विकास कुमार की, अगर खेलता है तो ये भी जीएल मिनी जीएल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी और कोई इंपॉर्टेंट प्लेयर यहां से नजर नहीं आ रहा, बाकी अगर कोई खेलता है इंपॉर्टेंट प्लेयर तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। बात करें विजयनगर वीर्स की, इनके पास भाई एज ए टीम यूनिट खेलने वाले प्लेयर है, ठीक है। किसी भी एक इंडिविजुअल प्लेयर की बहुत ही ऐसा नहीं है कि भाई उन्होंने मतलब कुछ ज्यादा ही लगातार पूरा चले, जैसे वहां से संदीप कुमार है, बट यहां पर भाई सभी ने मिलजुल के अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो यहां पर लास्ट मैच तड़ोबा टाइगर के अगेंस्ट में था, इनमें जावत की बात करें तो कवर की पोजीशन पर 5 टैकल इन्होंने निकाले, बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर है। वी कृष्णा पुलकासी की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, डिफेंस में आपके लिए अच्छा काम करके दे देंगे, एक डिफरेंशियल पिक के तौर पर टीम में रख सकते हो। और लास्ट मैच में बिगेस्ट डिफरेंशियल पिक रहे थे भाई वी तुमूला, सिलेक्शन देख लीजिए और परफॉर्मेंस देख लीजिए। यहां पर आप देखिए 6 टैकल निकाले, सेकंड लास्ट मैच में आप देखोगे तो यहां पर भी 4 टैकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बैक कर सकते हो, ठीक है। बात करें अगर ऑलराउंडर सेक्शन की, तो एस औरंगुटी लगातार चल रहे हैं भाई, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे और भाई है बंदा ऑलराउंडर में, बट मेन जो काम रहेगा वो रेडिंग का रहेगा, ठीक है। हर एक मैच में यहां पर भाई रेडिंग में गजब परफॉर्मेंस इनकी देखने को मिलेगी। वी कुमार कोयलाकर की बात करें तो लास्ट के 2 मैच में इन्होंने भाई गर्दा उड़ा रखा, बड़ी ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रखी है। तो अगर आप चाहो तो एज ए डिफरेंशियल पिक इन्हें भी स्मॉल लीग में रख सकते हो, अदरवाइज जीएल मिनी जीएल में तो ये आपके लिए मस्ट ऑफ पिक रहेंगे ही रहेंगे। इवन जीएल मिनी जीएल में एक आधी टीम में आप इन्हें CVC भी ट्राई कर सकते हो। रेडिंग में अगर आप चलोगे तो ऐसे मानोठू आपको दिखेंगे जो ठीक ठाक प्लेयर है, और भाई ये नहीं है कि हर एक मैच में चल रहे हैं बट काफ़ी मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस करके दे देते हैं, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, आप इन्हें जरूर से बैक कर सकते हो। इसके अलावा आर काठ बाटनी, अगर रवि काठ बाटनी स्टार्टिंग 7 में होता है तो मस्ट ऑफ पिक रहेगा, सब्सटीट्यूट में रहेगा तो थोड़ा सा रिस्क जरूर रहेगा इसके ऊपर। वहीं अगर आप देखोगे तो लास्ट मैच में नल्ला गोंडा आपको दिखा था, नल्ला गोंडा की बात करें तो आप यहाँ पर भाई देखिए ये बहुत डिफरेंशियल पिक है, लास्ट मैच में 5 टच पॉइंट है, जीएल में आप इसे एक टीम में जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा,
सिर्फ 5% सिलेक्शन है, मास्टर पिक में आप रखिएगा। अब अगर बात करें भाई टीम की, तो यहाँ से भाई अंकित सिंह को टीम में रखेंगे, तेजावत को टीम में रखेंगे, वी तुमुल्ला को टीम में रखेंगे। ऑलराउंडर सेक्शन में औरंगुटी को टीम में रखेंगे, अमरेंद्र कुमार को मैं टीम में रखने वाला हूँ। रेडिंग सेक्शन में संदीप को मैं अपनी टीम में रखूंगा। अब देखिए अगर आपको सेफ जाना है तो भाई आप S102 को टीम में रख सकते हो, थोड़ा सा अगर आप रिस्क उठा सकते हो ना तो नल्ला गोंडा को टीम में रख सकते हो, या फिर यहाँ से वी कृष्णा पुल्ला काशी को टीम में रख सकते हो। ये कुछ चेंजेज है जो आप कर सकते हो अपनी टीम में, बट अगर आपको सेफ जाना है तो भाई बानोठी को टीम में रखिएगा, बट अभी के लिए मैं थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूँ नल्ला गोंडा पर। CVC की बात करेंगे, कैप्टनसी यहाँ पर भाई मैं अपनी टीम में अभी के लिए देने वाला हूँ औरंगुटी को, VC में देने वाला हूँ संदीप कुमार को, इसके अलावा अमरेंद्र कुमार और अंकित सिंह ये आपके लिए और अच्छे CVC के ऑप्शन रहेंगे, इन्हें भी आप अपनी टीम में एज ए VC या एज ए कैप्टन ट्राई कर सकते हो। टीम के प्रीव्यू की बात करें तो वो आपकी स्क्रीन पर है, ऑलमोस्ट फाइनल टीम है। कोई भी चेंजमेंट होता है, अगर टीम में कुछ भी चेंजमेंट करना हुआ है, कुछ अपडेट आई या कोई नया प्लेयर खेलता है, तो उन सभी चीज़ों की अपडेट लाइनअप्स आने के बाद टेलीग्राम पर दे दूंगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।